तो देखो बच्चों, इस वाले प्रॉब्लम में बेसिकली हम देखते हैं एक नया प्रॉब्लम एक आता है। वैसे तो जो प्रीवियस वाला प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड है। तो प्रीवियस वाले प्रॉब्लम में रोड कैसा था बच्चों? तो रोड प्रीवियस वाले प्रॉब्लम में हॉरिजेंटल से थीटा डिग्री झुका हुआ था, डिल्ट था। अब यहाँ पे अगर नो बैंकिंग, कोई भी बैंकिंग नहीं है, मतलब थीटा क्या है? जीरो है, हॉरिजेंटल रोड है। तो मिनिमम फ्रिक्शन कितना चाहिए? म्यू हमें निकालना है, मुड़ने के लिए कितनी फ्रिक्शन चाहिए? अगर मैं कितने से मुड़ना चाह रहा हूँ, 18 किलोमीटर पर आवर से, तो 18 किलोमीटर पर आवर मतलब 5 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है? अगर इतने से मुड़ना चाहता हूँ, और जो रेडियस है पिछले वाले प्रॉब्लम में 10 मीटर था, तो वही उसी प्रॉब्लम से मैं ये रिलेटेड है। तो इस प्रॉब्लम में भी रेडियस कितना है? 10 मीटर है। तो प्रॉब्लम को समझो, अगर एक हॉरिजेंटल रोड है और आसान प्रॉब्लम है, तो मैक्सिमम स्पीड से अगर कोई मुड़ता है, ये जो मैक्सिमम स्पीड है इस रोड पे, ऐसे कोई मुड़ता है तो ये वाला सर्कल होगा। तो बच्चों इस वाले सर्कल में ये मुड़ेगा, तो ये रेडियस आर है जो कि ऑलरेडी 10 है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम स्पीड है वो इस सर्कुलर मोशन पे इधर आएगी, और ये लीनियर मोशन ऐसे हो रहा था, तो ये लीनियर मोशन था, और लीनियर मोशन को जबरदस्ती कन्वर्ट कर दिया गया है सर्कुलर मोशन में। तो ये लीनियर मोशन ऐसे है और ये सर्कुलर मोशन यहाँ से ऐसे गाड़ी सर्कल में यहाँ पे मुड़ रही है, ठीक है? तो ये इस सर्कल का रेडियस है। तो मैक्सिमम स्पीड का डायरेक्ट हमें फार्मूला याद है, तो मैक्सिमम स्पीड कितना है बोलो? मैक्सिमम स्पीड है म्यू आर जी अंडर रूट, ठीक है? तो म्यू आर जी, म्यू की वैल्यू कितना है? म्यू की वैल्यू तो हमें निकालना भाई। तो मैक्सिमम स्पीड का स्क्वायर, तो वी मैक्स का स्क्वायर और ये इज इक्वल टू म्यू आर जी। तो यहाँ से फाइनली अगर मैं म्यू कैलकुलेट करूँगा बच्चों, तो म्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी वी मैक्स का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई आर जी, ठीक है? तो वी मैक्स कितना है? तो वी मैक्स है 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, और आर की वैल्यू 10 है और ये भी 10 है, तो म्यू आ जाएगा 0.25। इतना कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन आपको चाहिए अगर रोड हॉरिजेंटल हो तो। और ये जो है कौन सा, ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है? जब आप मैक्सिमम स्पीड से मुड़ोगे तो आप पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो लिमिटिंग लगेगा, उससे पहले स्टैटिक लगेगा, और अगर स्पीड इससे ज़्यादा होगी तो मुड़ेगी ही नहीं और काइनेटिक लगने लगेगा, गाड़ी बाहर की डायरेक्शन में इधर जाने लगेगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।